हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 सितंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें जो देखने मिला है 2.05% का नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे 138.45 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज की क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलना है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज हमें वॉल्यूम जो देखने मिला कैंडल भी यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज की बनी है। नीचे की साइड में थोड़ी सी बड़ी और ऊपर के साइड में छोटी सी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात है मैं करूं आरएसआई की, आरएसआई 61-62 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। तो याद रखना है यहाँ पे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा जो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर है पॉजिटिव मोमेंट का है। चांसेस है कि स्टॉक में हमें अपसाइड जो है इजीली अराउंड 141.50 के आसपास देखने मिलेगा। उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में इजीली अपसाइड मोमेंट 143.50 के आसपास देखने मिलेगी। यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड भी जो है पॉजिटिव, हमारा ओपिनियन भी आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिव का आप जरूर यहाँ पे जो बाइंग के लिए जो है देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंट्राडे वाइज तो जरूर मैं रेकमेंड करूंगा। पोजिशनल वाइज भी यहाँ पे आज के दिन बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे के साइड में भी आ चुका था और यहाँ पे फिर अचानक बाइंग भी आई हमें देखने मिली और अपसाइड जो स्टॉक गया। यहाँ पे जरूर जब वापस आपको मौका मिलेगा, लेकिन 136 के नीचे के लॉन्ग टर्म वाइज अगर आप होल्डर है तो 136 के नीचे कभी भी स्टॉक है जरूर आप बाइंग करें। वहाँ पे बढ़िया आपका जो है एंट्री लेवल भी होता है और यहाँ पे एवरेजिंग भी जो है आपका बढ़िया हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे जो है हमें सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जरूर जो है मार्क करने होंगे, क्योंकि स्टॉक जो है बहुत ही ज्यादा अपसाइड मोमेंट दिया और इस रेंज में जो है हमने कोई भी हमारा जो है एनालाइज रिसेंटली नहीं किया था। तो इसके लिए हम जो है जरूर आप सभी के सामने ही जो है जो भी हम मार्किंग जो भी हमें दिख रही है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस सारी की सारी आपके सामने ही कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो है ध्यान से मार्किंग कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है अपना टारगेट और खास करके यहाँ पे जो है हमारे स्टॉप लॉस को मेंटेन करने में। तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इवन यहाँ पे जो अगर आप कभी भी जो है लॉन्ग टर्म भी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखें लॉन्ग टर्म वाइज आप जो है जरूर वन डेली वीकली और मंथली का जो चार्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो अच्छा एक जो है यहाँ पे आपको पता चलेगा, अंदाजा लगेगा कि किस तरह से किस साइड में हमें स्टॉक में जो है अपना ट्रेड लेना चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्किंग जो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इवन तो हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही जो मार्किंग्स की ताकि यहाँ पे हमें कोई भी जो इशू ना हो यहाँ पे मार्किंग्स और यहाँ पे अपना ट्रेड लेने के टाइम पे। तो ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग्स कंप्लीट हो चुकी है। बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 138.50 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 138.05 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 138.65 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले कल के दिन तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है
जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 137.40 का, उसके बाद क्या आता है 136.75 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 139.25 का, उसके बाद क्या आता है 139.90 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है कल के दिन। चांसेस है कि स्टॉक हमें 138.65 से 139.25 के रेंज में एक गैप अप ओपनिंग भी दे, प्लस यहाँ पे उसको भी जो है क्रॉस करते हुए जाए। ओवरऑल कल के दिन पॉजिटिव डे जरूर जो स्टॉक का रह सकता है, तो यहाँ पे जरूर स्टॉक में आप नजर बना के रखें। 130.65 से लेके 139.25 के रेंज में हमारी एक्सपेक्टेशन है, बाकी और भी जो ऊपर स्टॉक जा सकता है, यहाँ पे गैप अप हो रहा हो या फिर गैप डाउन हो रहा हो, स्टॉक जरूर पॉजिटिव में क्लोज हमें देखते हुए देखने में मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।